नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गो विद गोपाल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हृदय देव जी के एक संदेश के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने हाई पावर कमेटी से रिलेटेड भेजा है, लेकिन हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके सवाल हों तो नीचे कमेंट करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं वो संदेश जो हृदय देव जी ने भेजा और इसमें उन्होंने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताया। साथियों, जैसा आपको बताया था कि डिप्टी सीएम कमेटी की रिपोर्ट इसी माह शासन को प्रेषित कर देंगे, तो ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है और अगले सप्ताह शासन को प्रेषित हो रही है, जिसमें क्या है ये सुनकर उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जो पिछले 3 वर्षों से आम शिक्षा मित्रों को यह कहकर भटका रहे हैं कि यह सरकार कुछ नहीं करेगी। फिलहाल अभी गोपनीयता के चलते आप सभी के समक्ष कुछ भी लिखना उचित नहीं है, फिर भी इतना समझ लो सभी टेट पास व भविष्य में जो टेट पास कर लेंगे उनको पूर्ण शिक्षक का दर्जा एवं शेष बचे शिक्षा मित्रों की स्थायी सेवा 62 वर्ष 12 माह का निहित वेतनमान, जिसमें प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 3% महंगाई जुड़ती रहेगी। इसलिए आप लोग टेट 2020 की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दें। धन्यवाद, हृदय दुबे। तो हृदय दुबे जी ने एक बार फिर से टेट 2020 की तैयारी करने के लिए कहा है और कहा है कि टेट ही आपकी संजीवनी है, अगर आप टेट कर लेते हैं तो भविष्य में शिक्षक का दर्जा लगभग पा सकते हैं, लेकिन अगर आप टेट पास नहीं हैं तो भी आप एक स्थायी सेवक की तरह, एक स्थायी कर्मचारी की तरह 62 वर्ष 12 माह तक निहित वेतनमान पाते रहेंगे। फिलहाल जो टेट पास हैं और जो टेट पास कर लेंगे वो भविष्य में बेहतर स्थिति में आ सकेंगे। इसके अतिरिक्त ही रविंद्र जी जो हैं उन्होंने भी एक संदेश दिया, उन्होंने भी एक कल की एक सूचना दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सभी सचिवालय अभी सचिवालय से हमारे पास एक सूचना आई कि अभी शाम 7 बजे से सचिवालय में शिक्षा मित्रों के विषय में एक निर्णायक मीटिंग चल रही है, जिसमें अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी, विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, विधि न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने लखनऊ में मौजूद हैं, जो उन्होंने ये सूचना दी है। बजरंग बली की कृपा आपको जनवरी महीने के किसी भी तारीख को खुशखबरी मिल सकती है। तो ये उन्होंने सूचना भेजी है कि रविंद्र सिंह जी ने सूचना दी, इनके संगठन के पदाधिकारी को उन्होंने ये एक संदेश भेजा कि एक मीटिंग चल रही है लखनऊ में सचिवालय में जो शिक्षा मित्रों से संबंधित है और उसमें विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है कि इसमें रिपोर्ट के बारे में बात की जाए, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट हमारे बारे में बात की जाए जो ऊपर हृदय देव जी ने बताया है कि वो तैयार हो गई है, तो जनवरी में जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।